Assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope आप लोग सब ठीक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और आई होप आपको मेरा पिछला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा. तो ये भी उसी का पार्ट है. ये नेक्स्ट डे है. उस दिन हमने रातों में सेलिब्रेट की थी, तो मैंने भाई के लिए बनाई थी स्पेशल रेसिपी चिकन चंगेजी. बहुत मजे की बनी थी, तो फुल रेसिपी जरूर देखिएगा. बच्चों के लिए भाई लेके आए थे टॉयज, बहुत सारे टॉयज लेकर आए थे. और रात में भाई ने हमें कराया था पराठा रोल, बहुत टेस्टी था, बहुत अमेजिंग था. टाइम वेस्ट के बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं. और इस पे मैंने यहाँ पे दो प्याज लिए हैं बड़े साइज के, उनको मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया. उसके बाद एक मुट्ठी मैंने काजू लिया और पांच मैंने हरी मिर्चें ली हैं. इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे. सेकंड मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किए. ये तकरीबन चार या पाँच टमाटर हैं बड़े साइज़ के, इनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट करके हम ग्राइंड कर लेंगे. थर्ड हमारा स्टेप ये है कि मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया. इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही, तकरीबन आधा बाउल हम यहाँ पे दही ऐड करेंगे. थोड़ा सा मैरिनेट का सा हम लोग इसको कर लेंगे. टू लेमन लिए मैंने बड़े साइज़ के लिए, बीच मैंने बीच में ही डाल दिए. बाद में जब हम चिकन करना स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर जो लास्ट में इसकी ग्रेवी रह जाएगी ना, उसको हम अंदर से बीच निकाल लेंगे. आप लोग निकाल भी सकते हैं. लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे. यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड किया, नमक ऐड किया हसब ज़रूरत. उसके बाद यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. नेक्स्ट जी मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर मैंने तकरीबन एक कप मैंने ऑयल ले लिया. उसके अंदर जी जो टमाटर की हमने प्यूरी बनाई थी वो हम ऐड कर देंगे. अगर मैं हर एक एक स्टेप आप लोग को दिखाने लग जाती तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, तो फिर बहुत मुश्किल होती है. और वन टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, नमक एक चुटकी ऐड किया. जब ये इस तरह से पकना स्टार्ट हो जाएगा, इसे दो मिनट पकाएंगे, उसके बाद एक कप हम दूध ऐड कर देंगे. सिंपल दूध बॉयल है ऐड कर लें, नहीं है बॉयल तब भी आप ऐड कर सकें. इसको तीन से चार मिनट अगेन अच्छे से हम कुक कर लेंगे. इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी का टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा. उसके बाद जो हमने यहाँ पर सबसे पहले प्याज काजू और हरी मिर्चें ली थी, उन्हें मैंने जो पेस्ट बनाया था वो हम ऐड कर देंगे. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देते हैं. दादरी मिर्ची वन टेबलस्पून मैंने ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे. सूखा धनिया मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने तकरीबन डेढ़ टेबलस्पून ऐड किया. ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे वन टेबलस्पून. हल्दी हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून. इससे क्या होगा, कलर हमारा बहुत ही अमेजिंग आएगा. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ग्रेवी बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनेगी. यहाँ पर जो चिकन हमने मैरिनेट किया था, तकरीबन मैंने उसको 40 मिनट के लिए छोड़ दिया था. आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं, वरना 20 मिनट्स के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं. उसके बाद ये कढ़ाई ले लिया मैंने, तकरीबन इसमें हाफ से भी थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया और सारा चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे. जब हम सारे चिकन ऐड करेंगे, दही और जो चिकन है ना वो अपना पानी छोड़ देगा. आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप लोग इसको अब बिल्कुल दूसरी तरह भी कर सकते हैं. इसको अलहदा अलहदा करके आप लोग इसको वो रोस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा. इसे अच्छे से मिक्स कर लें. इससे क्या होगा, चिकन के अंदर जो हमने मसाले ऐड किए थे ना, वो उनका फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छे से चला जाएगा. तीन चार मिनट उसे कुक करेंगे. उसके बाद जो हमने यहाँ पर ग्रेवी बनाई थी वो सारी इसी तरह हमने उल्टा देनी है बीच में. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको स्लो आँच पर हम लोग छोड़ देंगे अब 10 से 15 मिनट, ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए. देन उसके बाद चिकन हम लोगों ने 10 से 15 मिनट बाद इसे छोड़ दिया था. अब आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया और हरी मिर्चें, जो मैंने लंबी लंबी हरी मिर्चें काट ली हैं. धनिया मैंने वॉश करके ऐड कर दिया, जिसको मैंने पानी जो है बिल्कुल ड्राई कर लिया. कसूरी मेथी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून. गर्म मसाला हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून. और क्रीम ऐड करेंगे. अब अगर आपके पास क्रीम नहीं है ना, तो आप लोग यहाँ पर मलाई भी ऐड कर सकते हैं. और क्रीम का तकरीबन मैंने ये हाफ पैकेट यूज़ किया था. इसके बाद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे. 3 मिनट बाद आपकी मज़ेदार सी चिकन चंगेज़ी आपकी रेडी हो जाएगी. कढ़ाई इतनी कोई डिलीशियस, ऐसा लगता है रेस्टोरेंट स्टाइल में, और बहुत मज़े की, इतना यूनिक इसका फ्लेवर है. यहाँ पे मुझे ऑयल ज़्यादा लग रहा था, मैं इसे रिमूव कर दूँगी. आप लोग देख सकते हैं इतना कोई मज़े का इसका कलर आया है और इसमें इतना मज़ा टेस्ट था ना. भाई को बहुत पसंद आई क्योंकि मैंने उनके लिए स्पेशल बनाई थी. तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. आप लोग यहाँ पे मैं चिकन आप लोग को दिखा देती हूँ कि चिकन कितना अच्छा टेंडर हो गया. मैं आप लोग को हर वीडियो में हर कढ़ाई में बताती हूँ कि आपका चिकन जितना अच्छा टेंडर होगा ना, उतनी ही मज़े की आपकी कढ़ाई जी. सबसे बड़ा हमारे घर का इंसान खाने लगा है खाना. हादी कैसा बनना है? अच्छा बना है, यमार है. चलो खा लो. ख्याला को थैंक यू तो बोल दो. वेलकम. के लिए दान भाई लेकर आए. हारिस कैसा लगा आपको? थैंक यू बोला आपने.
हादी के लिए क्या लाए? वाओ वाओ, आपने मामू को थैंक यू तो बोला नहीं है हारिस। मामू कहाँ है? मामू तो है ही नहीं पीछे। और भी टॉयज आए हैं बच्चों के सामने, हमने से वही शो करवाए हैं। यही क्या ये क्या, क्या चीज़ है वो डिफरेंट कुछ बनाने वाला ये छनकना, ये एजल के लिए, ये पजल है, फोन भी है बार्बी वाला, चाहिए चाहिए वाला। अब ये चाहिए चाहिए ही है या मॉडिफाइड होके कोई और आवाज आने लग गई है इसमें? मुझे तो लगता है चाहिए ही आनी है। ये वाला भी अच्छा है वैसे। चला टू भी आ गया। नंदन तो मैं चला के दिखाना। वही चीज तो वही ऐसे बनेंगे लड़ेंगे मेरे। और क्या? घोड़ा तो ये पुराना ही है। ये पजल गेम है। अच्छा ये गाड़ी है, आज ही कह रहे थे वो उतरास मैंने ने दिखाई तो कहते ये ऑर्डर कर दो हमारे लिए। नहीं पुराने वाली नहीं है बट। हाँ ये घोड़ा भी है। चलो 2400 थोड़ी करीब कर दो जी। नेक्स्ट डे कल हमने भाई को सरप्राइज दिया था, आज हमारे लिए भाई लेकर आए हैं ये क्या है ये पराठा रोल। और ये अल नेमत के हैं, मुल्तान के बहुत मशहूर। इनके साथ ये सॉस भी दी है, बड़ी मज़े की लग रही है। खाती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये पराठा रोल की लुक है, लुक इज़ सो यम। चलो ठीक है, जे मेरा है जे आपकी का। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का और डिफरेंट है। मारी आपी आपको कैसा लगा? बहुत मज़े का, बहुत मज़े का, डिलीशियस। ये जो इसका चिकन है ये वो हुआ हुआ क्या? स्टीम हुआ हुआ। आई होप आप लोगों ने मेरा ये छोटा सा व्लॉग एंजॉय किया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वहाँ में याद रखिएगा।